वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के कंडीशंस पे ये सब जगह दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट की गई और आज हम लोग उसका हमारे कार्डियक एनालिसिस के लिए उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अभी 2006 में हम लोग, हमारी पूरी टीम इस सिस्टम के साथ में किसी कारण जुड़ गए, तो हम लोगों ने देखा कि ये सिस्टम को अगर हम लोग मोर हायर टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर डेवलपमेंट करेंगे तो यस, इट विल बिकम अ वेरी पावरफुल टूल फॉर एनी जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर इसके लिए कि हमारी बॉडी की जो रचना है डायनेमिक, कहते हैं हर एक डॉक्टर कहता है द बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी इज अ डायनेमिक बॉडी, राइट, बट देर आर बेसिक फंक्शंस, बेसिक सिस्टम्स, बेसिक वाइटल ऑर्गेन्स। अगर इस ऑर्गेन्स की कंडीशंस हमको प्रॉपरली पता चले तो हम लोग किसी भी बीमारी को होने के पहले रोक सकते हैं या किसी भी बीमारी को हम लोग जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने 2006 से अभी तक 16,000 पेशेंट ट्रायल्स भी इस सिस्टम के साथ किए, क्योंकि मेडिकल की परिभाषा में क्या होता है, कोई भी नया इन्वेंशन होता है या कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप होता है तो उसे क्लिनिकल ट्रायल मांगे जाते हैं। तो उसको लॉन्च करने के बाद दो तीन साल के बाद उसके क्लिनिकल ट्रायल्स लो, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद में ये लोगों को यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके पहले ही क्लिनिकल ट्रायल्स कर दिए ताकि विद फैक्टशीट ऑफ एविडेंशियल डाटा हमारे पास में आज के तारीख में है कि ये आप 368 इलनेस कंडीशंस का रूट कॉज निकाल सकता है और रूट कॉज को अगर आप ट्रीट करते हो तो 16,000 पेशेंट का स्टैटिस्टिक्स डाटा ये कहता है कि वो गारंटेड ठीक होते हैं। नाउ वी कैन यूज द वर्ड कॉल्ड क्योर, जबकि मैजिक रेमेडी एक्ट आपने सुना रहेगा, इंडियन मैजिक रेमेडी एक्ट में ये लिखा गया है कि क्योर आप शब्द यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्योर की परिभाषा ही डिक्लेयर नहीं है। मैजिक रेमेडी एक्ट में क्योर की परिभाषा डिक्लेयर नहीं है। हमारी क्योर की परिभाषा यह है, ये सिस्टम के आधार पे हम लोग रूट एनालिसिस कर सकते हैं। रूट एनालिसिस करके अगर उसको ठीक करेंगे, द कंडीशंस व्हिच हैज गॉन डिटॉर्ट गेटिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेट अगेन इज नोन एज क्योर। इससे यह नहीं कहता है कि आपको हार्ट अटैक कंडीशन आ जाए, हम लोगों ने उसको ठीक कर दी तो आगे नहीं होगी। 10-15 साल अगर आपने वापस ध्यान नहीं दिया तो वापस वो डेवलपमेंट हो सकती है। गॉट इट? तो दिस इज व्हाट वी हैव गिवन द सिस्टम डिटेल इनटू इट। ये सिस्टम का काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया है, वो डिवाइस हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया है, एक ट्रांसमीटर है जो बॉडी के अंदर ईसीजी मशीन के जैसे 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है। जैसे सोनोग्राफी के अंदर सोनोग्राफिक वेव्स भेजे जाते हैं, वैसे हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी हम लोग भेजते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जाके जितने भी वाइटल ऑर्गेन्स है, 12 वाइटल ऑर्गेन्स, यहाँ जाके एक वाइब्रेशन जनरेट करती है और एक रिसीवर के द्वारा हम लोग इस 24 पॉइंट्स, ये जो 24 पॉइंट्स है, जैसे पहला पॉइंट है लंग्स, सेकंड पॉइंट इज पेरिकार्डियम, थर्ड पॉइंट इज हार्ट, फोर्थ पॉइंट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल बर्नर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्पिन, लीवर, किडनी, यूरिन बैडर, गैल बैडर, स्टमक, इसकी हम लोग पूरी डिटेल देते हैं कि हम लोगों ने जो फ्रिक्वेंसी फायर की वो अगर 1 kHz है तो फिर बाहर आते वक्त भी 1 kHz आनी चाहिए। अगर कनेक्ट कैसे करते हैं, दिस इज द सेंसर, ये हमारे लैपटॉप के साथ में जुड़ा होता है, राइट, जो एक सॉफ्टवेयर है जो इस सेंसर को कम्युनिकेट करता है। दिस इज द ट्रांसमीटर। अगर हमें राइट साइड की स्कैनिंग करनी है तो इसे लेफ्ट साइड में जोड़ा जाता है। ये जो पेन डिवाइस है, जो वो पॉइंट्स दिखाए गए हैं, उस पॉइंट्स को हमारा डॉक्टर इसको टच करेगा। तो यहां टच करने से हमें लंग्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहां टच करने से हमको पेरिकार्डियल की इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहां टच करने से हमको हार्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, यहां टच करने से हमको स्मॉल इंटेस्टाइन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे ये 12 वाइटल ऑर्गेन्स की हम लोग उस जगह पे टच करके हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। कैंसर का कोई सिम्टम्स नहीं होता तो इसमें डिटेक्ट हो सकता है? सी, कैंसर इज अ कंडीशन। आई सेड पहले तो एक बहुत बड़ा विवाद है, मैं आगे चल के लेके आऊंगा आफ्टर 1 month, राइट, बिकॉज देयर इज अ वेरी फैंटास्टिक स्टैटिस्टिक्स व्हाट आई गॉट कि 2000 में कैंसर कितने थे और 2012 में कैंसर पेशेंट इतने कैसे हो गए, राइट। एक्यूपेंशन बेस्ड
This is not acupuncture based. Basically, this is on pulse based. यहाँ जितने भी ये जितने भी पॉइंट्स है दिस आर ऑल पल्स पॉइंट्स. अभी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर ये वर्ड्स कैसे हुए कि चाइनीज वालों ने वर्ल्ड में बहुत अच्छी तरह मार्केट किए, पर भारत में आयुर्वेदा के वेरी सीनियर प्रैक्टिशनर यहाँ है कि आयुर्वेदा के अंदर ये पॉइंट्स ऑलरेडी डिक्लेयर है, इसको पब्लिश नहीं किया गया. अगर इसको पब्लिश किया गया होता तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ही नहीं होता. राइट, बोलिए. कैंसर के बारे में बताइए. बेसिकली कैंसर कंडीशन आने के लिए उसके कारण क्या क्या है हम लोग वो निकालते हैं. हमें कैंसर कौन सा है, कौन सा जगह पे कौन कैंसर हुआ है, वो रिफ्लेक्शन हम लोग जान सकते हैं. कौन सा कैंसर हुआ है वो ये सिस्टम से नहीं कर सकते, उसके लिए एडवांस टेस्ट करनी ही पड़ेगी. बट वो डेवलपमेंट हो सकती है या हुई है, यस, उसका हम लोग यहां से अंदाजा निकाल सकते हैं. क्योंकि अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, अगर हम लोग आपने सुना रहेगा पेटलेट, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड और पेटलेट काउंट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है. अगर लीवर फंक्शन हाइपो स्टेट, मतलब ये नॉर्मल स्टेट है उसका काम करने का, अगर ये इतना नीचे काम करे तो इस पेशेंट का मैक्सिममली हम लोगों ने 16,000 पेशेंट के ट्रायल में हमको एनालिसिस ये मिला है कि इसका पेटलेट डाउन होता है. ठीक है, इसका हीमोग्लोबिन डाउन होगा. राइट, अगर इसका लीवर फंक्शन और किडनी फंक्शन अगर दोनों के दोनों हाइपोस्टेट में रहेंगे तो इस पेशेंट का यूरिया बढ़ गया रहेगा. गॉट इट? क्योंकि किडनी का काम क्या है, किडनी हमारे बॉडी में से जितने भी गंदगी है ब्लड में से प्यूरिफाई करके बाहर निकालती है. अगर वो कम काम करने लगे तो क्या करेगा, जो भी गंदगी है वो हमारे ब्लड में से बाकी सब जगह सर्कुलेट होगी. तो अगर किडनी लो फंक्शन करती है तो आपका HGPT रेशियो, HGOT रेशियो, यूरिया रेशियो, ये सभी रेशियो हायर साइड पे दिखाई देंगे. अभी मतलब इस सिस्टम से मैं ये अंदाजा लगा सकता है कि अगर मेरा इस पेशेंट का लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन ये स्टेट पे चल रहा है तो इसका बॉडी फ्लूइड लेवल क्या कंडीशन पे हो सकता है. अभी अगर मुझे और प्रिसाइजली इसका बॉडी फ्लूइड लेवल जानना ही है तो वो डॉक्टर उसे लेबोरेटरी टेस्ट पे भेज सकता है. हम लोग मना नहीं करते, बट हम लोगों ने 16,000 पेशेंट्स को उनकी एग्जिस्टिंग लेबोरेटरी रिपोर्ट्स लेने के बाद में हम लोगों ने ये रिपोर्ट जनरेट किया, और जनरेट करने के बाद हम लोगों ने उसको डायरेक्टली उस ऑर्गन पे ट्रीट किया. और जो 17 साल जो सोराइसिस के पेशेंट ठीक नहीं हुए, गैंग्रीन के पेशेंट ठीक नहीं हुए, हाई बीपी के पेशेंट ठीक नहीं हुए, अभी वो 100% ठीक हो गए. रीजन क्यों? क्योंकि everything is dependent on to the organal functional conditions. अगर हमारे organ functions, जो भी ये हमारे vital organs है, ये अगर कम ज्यादा, मतलब बहुत ही कम बहुत ही ज्यादा functions पे जाएंगे तो कोई ना कोई illness condition वो देगा. और illness क्या है, बीमारी क्या है, अब किसी भी medical doctor से पूछो बीमारी actually है क्या. world में कोई बीमारी नहीं है तो फिर बीमारी क्या है? आप किसी डॉक्टर भी है यहां, आप इनको भी पूछ सकते हैं, बीमारी नाम की चीज पूरे वर्ल्ड में है क्या? नहीं है. फिर ये इलनेस और ये बीमारी, ये शब्द आया क्यों? ये डॉक्टर्स के लिए बनाया गया है, हमारे लिए नहीं. डॉक्टर्स के लिए क्यों? हमारी बॉडी सिम्टम्स देती है, हमारी बॉडी बीमारी नहीं देती है. 10 सिम्टम्स, सर दुखता है, डायरिया है, पेट में दर्द है, उसके साथ में चेस्ट में जलन होती है, ये चार चीजों को, ये चार सिम्टम्स को एक वर्ड दिया गया है XYZ बीमारी ए, ताकि शॉर्टकट में कोई अगर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को अगर पेशेंट रिफर करे तो उसे सिर्फ बोलेगा XYZ बीमारी ए, तो उनको ये देख लिया तो उनको समझ में आएगा ए बी सी डी ये चार सिम्टम्स इस पेशेंट में मौजूद है. इट इज अ रेफरेंस वर्ड फॉर the package of symptoms known as illness. There is no illness in the world. WHO भी कहता है. Right. तो हमारी बॉडी से हमको जांच पड़ताल क्या करना है, बीमारी या सिम्टम्स? हम लोग बीमारी का जांच नहीं करते, हम लोग सिर्फ सिम्टम्स का जांच करते हैं. मेरी मशीन का काम यह है कि आपके बॉडी में से जितने भी सिम्टम्स है वो निकाले, और वो बीमारी का स्वरूप लेने के पहले या फिर बीमारी का स्वरूप ले चुका है तो उसे ठीक करना.
डॉक्टर्स को गाइडलाइन दें कि इस ऑर्गेन के ऊपर अगर आप ट्रीट करोगे तो ये सभी सिम्टम्स रिवर्स हो जाएंगे। अभी हमारे पास में एक पैरालिसिस का पेशेंट है, 3 महीने में क्या आपको लगता है पैरालिसिस ठीक होता है? क्या एक पेशेंट का मैं फोटोग्राफ दिखाता हूं, पैर काटने वाले थे, गैंग्रीन पेशेंट, आपने सुना रहेगा गैंग्रीन हो गया, अगर ये पूरा पैर सड़ गया तो उसे एलोपैथी में काटने की और सर्जरी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऐसे 27 से 35 पेशेंट थे और सबसे सीवियर पेशेंट मतलब ये था कि हमने जिस दिन उसको स्कैनिंग के लिए लिया उसके 2 दिन बाद उसका पैर काटने का शेड्यूल पैकेज बन गया था। लकीली हम लोग या फिर वो सर्जन का बैड लक बोलिए, हम लोग उधर पहुंच गए, हम लोगों ने उस पेशेंट को स्कैन किया और मैं आपको वो फोटोग्राफ दिखाता हूँ, वो आप किसी भी डॉक्टर्स को दिखाओगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि यार ये मिरेकल है। इट इज नॉट मिरेकल, इट इज अ साइंस। किसी भी गैंग्रीन पेशेंट्स को अगर आप देखोगे पास हिस्ट्री, उसको हाई बीपी रहेगा, राइट, लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन उसको लेग स्वेलिंग रहेगा, राइट, हाई बीपी एंड लेग स्वेलिंग, अगर हायर साइड लेग स्वेलिंग हो गया तो डेफिनेटली जो हमारी नर्व्स वेन्स जो ब्लड सर्कुलेट करती है वो अगर ब्लॉक होगी तो उसके आगे का पोर्शन सड़ना चालू कर देगा। मतलब पहले क्या होगा, नर्व स्टॉप होगी, ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं जाएगा, फिर आगे के जो ब्लड रुका पड़ा है वो डेड होगा, डेड सेल विल गेट कन्वर्टेड इनटू देन डिफरेंट 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 रिएक्शंस, फिर क्या होगा, फिर पैर सड़ना चालू हो जाएगा। अभी कौन से कंडीशन के लिए, अभी ये गैंग्रीन पेशेंट को सबसे पहले सॉल्व क्या करना चाहिए, ब्लड प्रेशर, फिर क्या करना चाहिए, उसका सर्कुलेशन वापिस उस लेग की तरफ बढ़ाना चाहिए। तो कौन से ऑर्गेन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक ये गैंग्रीन पेशेंट ठीक कैसे होगा, तो अभी तक वो नहीं पता चल रहा था। तो लोग क्या करते थे, गैंग्रीन पेशेंट का पैर काट देते थे, अभी काटने की हम कहते हैं कि लाइक एक बार इससे ट्राई करो, डॉक्टर लोगों को ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू सिस्टम, बिकॉज हम लोगों ने 16,000 ट्रायल किए, करने वाले रहते तो बात अलग है, 16,000 ट्रायल इसलिए किए कि डॉक्टर आर्ग्यू नहीं करें क्या इससे हो सकता है, हम लोग ये कर बैठे, राइट, और वो डॉक्टर्स लोग 3200 डॉक्टर्स आर फंक्शनिंग विद अस टुडे, सो द न्यू डॉक्टर्स दे कैन एक्सेप्ट, वी हैव सीनियर डॉक्टर्स लाइक वेनिला हु इज 45 इयर्स एक्सपीरियंस इन आयुर्वेदा, आई थिंक सो मेनी पीपल नो हिम ऑल्सो, राइट, मेनी सीनियर डॉक्टर्स नो हिम, ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी मैगजीन्स, ही वॉज अ लेक्चरर, राइट, एंड ही इज फेमस फॉर पल्स एनालिसिस। तो ये सिस्टम लॉन्च करने का कारण सिर्फ इतना है कि आज की तादाद में देखा गया तो एक सिंपल, मुझे पेशेंट्स का कॉस्ट इस सिस्टम से सेव करना है, डॉक्टर्स को फास्टेस्ट किसी भी पेशेंट्स के बॉडी एनालिसिस देनी है ताकि उस पेशेंट को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर को भेजने के जगह खुद ही ठीक करें, बिकॉज एक जीपी कंप्लीट बॉडी ठीक कर सकता है अगर उसके पास एनालिसिस रहेगा तो, पर अगर उसके पास एनालिसिस नहीं रहेगा तो कल आपको अगर पेट में दर्द हो गया तो आपको किडनी वाले के पास भी भेजेगा, हार्ट वाले के पास भी भेजेगा, स्टमक वाले के पास भी भेजेगा, और किसी से भी ठीक नहीं हुआ तो फिर वो आपको साइकोलॉजिस्ट वाले के पास भी भेजेगा। हम लोगों ने एक, मैं आपको डीवीडी सबको सर्कुलेट करता हूं, हम लोगों ने इसके न्यूज इंटरव्यूज भी दिए विद सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके भी कहने क्या है अगेंस्ट दिस सिस्टम, वो आप उस डीवीडीज में देख सकते हो, बिकॉज दे देमसेल्फ्स हैज एक्सेप्टेड नाउ, यस दिस सिस्टम कैन गेट अ रेवोल्यूशन इनटू मेडिकल प्रैक्टिसिंग कंडीशंस वेयर इट विल हेल्प मेडिकल प्रैक्टिशनर टू ट्रीट कंप्लीट बॉडी इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्पेशलाइज ट्रीटमेंट ऑन टू द बॉडी। अभी 3200 डॉक्टर्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 700 डॉक्टर्स एलोपैथी वाले हैं और वो एमडी से लेके एमएस है, एमएस तक। अहमदाबाद और गुजरात में आपके यहाँ कोई है? अहमदाबाद के पेशेंट्स हमारे पीछे बैठे हैं, ये जो कर रहे हैं वो इसके लिए भी उन्हें तक आना पड़ेगा। मैं अभी एक्चुअली मैं लास्ट पॉइंट मुद्दे पे ही आता हूँ, ये रहा अहमदाबाद का एड्रेस, दिस इज
फ्लैट नंबर 6 अंबर अपार्टमेंट नियर जैन टेंपल नेहरू नगर अहमदाबाद। ये 6 तारीख से वहाँ ये हमारा हम लोगों ने गुजरात स्टेट ऑफिस ओपन किया है, जहाँ से पूरे गुजरात के डॉक्टर्स को हम हर एक सिस्टम को एक बैकएंड सपोर्ट की जरूरत गिरती है। तो ये जो ऑफिस है हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहाँ से डॉक्टर्स को सपोर्ट दिया जाए। मोबाइल यूनिट है नहीं, नहीं इसका एक फिक्स एग्जामिनेशन बेड होता है, क्योंकि क्या है कि कोई भी डिजिटल सिग्नल अगर कोई भी रेडिएशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो वो वहाँ पे उसके सिग्नल चेंज होकर रिपोर्ट गलत आ सकते हैं, तो इसलिए उस पेशेंट को हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, इसका चार्ज क्या है? आपको क्या लगता है, एक होल बॉडी अगर मैं आपका हार्ट टेस्ट करूँ, अगर मैं आपका किडनी लीवर राइट सभी ऑर्गेन्स टेस्ट करूं, आपकी साइकोलॉजी भी टेस्ट करूं, आपकी एनर्जी भी टेस्ट करूं, तो आपको क्या लगता है इसका चार्ज क्या होना चाहिए? बेसिकली अगर इस ट्रेडिशन मेथड जो हमारे पास में इक्विपमेंट्स है, अगर हम लोग उससे टेस्ट करने जाएंगे तो उसकी कीमत कम से कम 1,20,000 तक जाएगी, ठीक है, और उसमें भी सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, वो आपको बताने आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इसमें 2235 में आपके सिम्टम्स के साथ इसका रूट कॉज और सभी ऑर्गेन्स का जांच होता है। 2235 एक बॉडी को स्कैन करने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं, और उसके बॉडी जो भी रिपोर्ट निकला है रही अगले 1 मिनट लगता है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, मतलब 11वें मिनट में रिपोर्ट भी जनरेट हो गया, और अगले 5 मिनट हमको चाहिए कि वो जो भी सिम्टम्स है वो कंफर्म करने के लिए कि आपके बॉडी पे है या नहीं, मतलब 15 से 20 मिनट में विद ट्रीटमेंट पेशेंट गोज आउट। चाहिए आपका जो रिपोर्ट में जो भी आवे, जो भी मेडिकल सिविल हॉस्पिटल के जो भी है वहाँ पे वैलिड होगा नहीं है? अभी हम लोग अप्रोचेस करेंगे फास्टेस्ट तो फटाफट फटाफट वैलिड हो जाएगा, बट इट इज वैलिड फॉर द डॉक्टर, सो एवरी डॉक्टर इट इज वैलिड। नो सर, बट जैसे आप महाराष्ट्र में आप बेस्ड हैं, तो महाराष्ट्र में वहाँ की गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देती है या दो लोकल्स हु आर एक्सेप्टिंग कि सी नंबर वन व्हाट अप्रूवल यू आर टॉकिंग अबाउट? जिसको भी प्रॉब्लम हो तो क्या यहाँ पे जाओ, ऐसा भी आपने किया? हम लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे अभी गुजरात स्टेट का जो मार्केटिंग मैनेजर है राइट, और जो पूरा देख रहे की हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे सेंटर्स हो, दैट इज मिस्टर विकिन यतीन पटेल, तो अगले 1 महीने से 2 महीने में हर एक डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में आपको सेंटर मिल जाएंगे। बोलिए, क्लिनिकल सेंटर है कि ओनली बॉडी स्कैनिंग? सी बेसिकली दिस इज द क्लिनिकल सेंटर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन सेंटर, बिकॉज दिस सिस्टम कैनॉट बी ऑपरेटेड बाय नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो देयर इज अ डॉक्टर राइट। So, जब भी कोई रिपोर्ट जनरेट होता है और इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो क्लिनिकली उसको रेक्टिफाई इन्वेस्टिगेट करने ही। नहीं सर, ये एक और क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे मैं मेरा पूरा बॉडी चेकअप करवा के मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो वो फिर वापस मुझे बोलेगा कि हमारी एलोपैथी के हिसाब से करा गया ऐसा? अभी ये चीज मैं नहीं रोक सकता, डिपेंड ऑन डॉक्टर के ऊपर है, बट अभी तक जितने डॉक्टर्स 3,200 या 3,500 जो डॉक्टर्स अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, 99% डॉक्टर्स को अभी दूसरी जांच करने की जरूरत नहीं गिरी। एक स्पेशल केसेस होते हैं जहां हमको वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में हमको क्रॉस एनालिसिस करना होता है, जैसे अभी डायलिसिस का पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट को हमको यस लेबोरेटरी की भी रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट्स और वो रिपोर्ट्स क्या कहती है, तो उस कंडीशंस में हम लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, अदरवाइज तो जरूरत नहीं गिरे। आप ट्रीटमेंट एडवाइज नहीं करते? हाँ जी, ट्रीटमेंट एडवाइज नहीं करते आप? उसके अंदर ये रिपोर्ट के अंदर सजेशन आते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इट इज चार्ट,
ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते? आपको ट्रीटमेंट भी करना, चलो मेरे में मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, अंदर मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। मेडिसिन हम लोग डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर तो पेशेंट को करेगा ना, तो डॉक्टर पेशेंट की मेरा मतलब आपका रिपोर्ट लेके डॉक्टर को बात तो जाना ही पड़ता है। अगर कोई पेशेंट हमारे सेंटर में डायरेक्ट आता है तो हम लोग उसे डायरेक्टली आपके सेंटर में कोई डॉक्टर नहीं होता है जो वो ट्रीटमेंट कर सके? नहीं, हमारे सेंटर में अगर कोई डॉक्टर कोई पेशेंट खुद होके आ गया है ना, वॉक इन कस्टमर जिस हम लोग वॉक इन पेशेंट, उसको हमारा डॉक्टर ठीक करेगा। थैंक यू।